This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Tajashahi Pagri Works, Newson Fabrics Cloth Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry and by Edify International School. Hello everybody and welcome to GoHash. आज की सबसे बड़ी न्यूज के बारे में बात करें जहां पर लोकसभा इलेक्शन 2019 का शेड्यूल आ चुका है। यह लोकसभा इलेक्शन 2019 कुल मिला के 543 सीट्स पर होने वाला है और लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ होने वाले हैं अक्रॉस द कंट्री। इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा ने आज अनाउंसमेंट की शाम 5 बजे। आइए नजर डालते हैं कि ये इलेक्शन कितने फेज में होने वाला है। जी हाँ, ये 7 फेज में इलेक्शन होने वाला है। शुरुआत हो रही 11 अप्रैल को, फिर 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई। कुल मिला के इलेक्शन होने वाला है 7 फेजेस के अंदर। तो कर्नाटक स्टेट में से 28 एमपी जाएंगे लोकसभा को इस जनरल इलेक्शन के अंदर, जो कि होने वाला है 2 फेज के अंदर। 14 सीट जाएंगे फेज 2 के अंदर 18 अप्रैल को और बाकी 14 जाएंगे फेज 3 यानी कि अप्रैल 23 को। आइए नजर डालते हैं कि कौन से फेज में कौन से सिटीज के इलेक्शन होने वाले हैं। फेज 2 यानी कि 18 अप्रैल को इलेक्शन होगा उडुपी, चिकमंगलूर, हसन, दक्षिणा कन्नड़ा, चित्रदुर्गा, तुमकुर, मांडिया, मैसूर, चमराजनगर, बैंगलोर रूरल, बैंगलोर नॉर्थ, बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर साउथ, चिकबल्लापुर एंड कोलार। और फेज 3 यानी कि अप्रैल 23 को इलेक्शन होने वाले हैं चिकोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बिदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ा, दावनगिरी एंड शिमोगा। रिजल्ट डे होगा मई 23 को। 2019 जनरल पोल्स विल इलेक्ट द 17th लोकसभा ऑफ इंडिया। 2014 की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी हुकूमत बनाई और भारतीय जनता पार्टी को सिंगल हैंडली उन्होंने जीत दिलाई। बीजेपी ने पिछली बार 282 सीट जीते, जो कि 10 बढ़ के थे 272 से, यानी कि जो हाफ मार्क होता है उसके 10 बढ़ के थे उन्होंने। बीजेपी काफ़ी अच्छी जीत उन्हें जीती थी, जबकि हम बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने जस्ट 44 सीट्स जीते थे। ये नंबर अब थोड़े चेंज हो चुके हैं 2014 के, क्योंकि बाई पोल्स हुए, उसके बाद कई सारे MPs की डेथ हुई। बीजेपी की टैली जा बैठी है 268 पे, यानी 268। नेशनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डिस्ट्रेस, ये सारे मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन कैंपेन के। कांग्रेस अब महागठबंधन बना रही है, ग्रैंड अलायंस बना रही है बीजेपी को कॉन्कर करने के लिए और एक नई सत्ता बनाने के लिए। जॉब्स, इकोनॉमी, फार्मर्स की इश्यूज, पाकिस्तान, पुलवामा अटैक, ये सारी चीज़ें चल रही हैं नेशन के अंदर। अब वोटर्स फैसला करेंगे कि किसको वोट देना है और किसको सत्ता पे लाना है। वोटर असिस्टेंट बूथ्स विल बी सेट अप एट एवरी पोलिंग स्टेशन टू एक्सटेंड फैसिलिटेशन टू द वोटर्स। देयर आर एप्रोक्सीमेटली 10 लाख पोलिंग स्टेशंस दिस ईयर एज कंपेयर्ड टू 9 लाख इन 2014, एन इंक्रीज ऑफ 10.1%. Why I have used the word approximately is that in some special circumstances, for example, exigencies of weather, snowfall, etc., with the permission of the commission, a new or auxiliary polling station can be opened even at the last minute. Of course, before the elections. Assured minimum polling facilities at all polling stations like drinking water, electricity, shade, toilets, ramps, and a standard voting compartment are being provided, and these are monitored very closely by the commission in the meeting with the collectors, video conferences, and the meeting with the chief secretary. Efforts are also being made to make voting comfortable, accessible, and sensitive, particularly to the needs of senior citizens, persons with disability, and ladies. The MCC for the guidance of political parties and candidates comes into effect from today itself in the entire country. The commission calls upon political parties and candidates to strictly adhere to the same. Elaborate arrangements have been made to ensure effective implementation of the MCC, and any violation will be dealt with in the strictest manner. उम्मीद करते हैं GoHash नेटवर्क से आपको ये इस इलेक्शंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। आने वाले वक्त में हमारे कई सारे शोज़ आने वाले हैं जहां पर हम लाइव डिबेट्स भी करेंगे और टॉक शोज़ भी करेंगे इलेक्शन को लेकर। तो देखते रहिए GoHash और हमारे व्हाट्सएप नंबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, 9113542278। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंग्लिश काउंटी, मोबाइल मास्टर, मोहम्मदी फर्नीचर, ताजशाही पगड़ी वर्क्स, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, यूपोलिस फैशन स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री एंड बाय एडिफाई इंटरनेशनल स्कूल।